हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं खमोरियों का सटीक इलाज। ये इलाज 100% वर्क करता है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। किसी के ऊपर ये साइड इफेक्ट नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा इसके ऊपर आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 या 10 रुपये में आपको बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हो सकता है घर में आपके पास पहले से ही मौजूद हो, तो आपको 1 भी रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कारगर है और मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। गर्मियों में मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। ये खमोरियों पर बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। तो इसको यूज़ करने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ वो ये है। जी हाँ, ये है सफ़ेद फिटकरी। जी हाँ, फिटकरी दो तरह की आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ही सफ़ेद फिटकरी ही होती है। और आपको बता दो, ये साबुन की तरह भी मार्केट में मिल जाएगा। ये जो साबुन होता है फिटकरी का, ये 10 रुपये का पड़ता है। बट आप किसी किराने स्टोर पे लेते हैं, ठीक है, ग्रोसरी शॉप पर, तो वहाँ पर आपको 5 या 10 रुपये में भी मतलब खुली फिटकरी भी मिल जाएगी। आप फिटकरी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। जरूरी नहीं कि साबुन वाली आप यूज़ करो, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही जगह ये बहुत अच्छी तरह से, दोनों फिटकरी बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। दोस्तों, फिटकरी में पाया जाता है एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। जी हाँ, अगर आपको कहीं कट लग गया हो, ब्लड निकल आया हो, तुरंत वहाँ पर फिटकरी लगा लीजिए। ब्लड है जो वो रुक जाएगा और जो घाव है वो बहुत जल्दी भर जाता है, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये बैक्टीरिया को भी खत्म करती है। जो खमोरिया है वो एक तरह का बैक्टीरिया ही है, क्योंकि जब धूल, पसीना और गंदगी जो हमारे शरीर पे बैठी रहती है, डेड सेल्स होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो रोम क्षेत्र को बंद कर देते हैं, और बैक्टीरिया की वजह से, जो बैक्टीरिया पनपते हैं उसके वजह से हमारे पूरे शरीर पे वो लाल लाल चकत्ते जैसी घमोरियाँ पड़ जाती है। कुछ लोग को चेहरे पे पड़ जाती है, गर्दन पे पड़ जाती है, तो चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और बहुत ही जलन और बहुत ही खुजली होती है। आप इसे फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मतलब बहुत ही सटीक उपाय है ये। आपको ट्राई कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जब भी नहाना है उतने टाइम आपको नहाने के बाद, जब आप अच्छे से नहा लीजिए, नहाने के बाद आपको अपने बॉडी पे इसे यूं रगड़ना है। जब आप इसे रगड़ोगे ना तो एक खटास जैसी आपको महसूस होगी, महक लगेगी, खटी खटी सी महक सी लगेगी, ठीक है, वैसे खटास जैसी महसूस होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, बस पानी अपने शरीर में डाल लेना है और फिर आपको कुछ नहाना वगैरह नहीं, साबुन वगैरह नहीं लगाना, सिर्फ आपको यही करना है। आप जब भी नहाओ, दिन में 1 या 2 बार जब भी नहाओ, उसके बाद आप फिटकरी जरूर इस्तेमाल करो। कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत ही काम की चीज़ है फिटकरी। फिटकरी आपके घर में ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। ये एक प्राथमिक उपचार की तरह भी यूज कर सकते हो आप, अगर आपको कट लग गया हो, क्योंकि आपने अगर आपने ध्यान दिया हो, जो नाव वगैरह होते हैं ना, जब कट जाता है, जब वो शेविंग वगैरह करते हैं तो फिटकरी का पानी तुरंत लगाते हैं, क्योंकि वो जो कट होता है, दाने जो कट जाते हैं, अक्सर मुहासे कट जाते हैं शेविंग करते वक्त, या कोई ब्लेड से कट लगा हो तो वो कट बहुत जल्दी भर जाता है, और ये बहुत जल्दी जो फेस पे दाने वगैरह होते हैं, मुहासे वगैरह होते हैं, उससे भी ठीक करता है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद जो भी अनुभव है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, तभी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। ये 100% वर्क करती है, आप ज़रूर इसे ट्राई करना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोग के साथ शेयर की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना है। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।